जो इक्विलिबिटी था इसके बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। देखो दो चीज, जैसे केस जो हम तुम ले रहे थे सर, कि सुपरफिशियली बहुत पलसा टीला टाइप लग रहे थे पेशेंट। केस टेकिंग के बाद फाइनली जब हम लोग पहुंचे, मतलब इनिशियल सिम्टम्स में भी जितना भी आ रहा था वो टुवर्ड्स लाइक पलसा टीला, बट इन डेप्थ में जब हम पहुंचे तो पूरा सिनेरियो ही एकदम अपोजिट था। तो पहला एक चीज ये देखा जाता है किसी भी रेमेडी के प्रिस्क्रिप्शन के लिए, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है, जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलिया कहते हैं। बहुत एक डिफिकल्ट टास्क है टू रीच, बट उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिसमें देखा जाता है कि सिर्फ सिम्टम का सिमिलर होना इज नॉट सिमिलिया। सिम्टम मैच कर लिया, अगर 10 के 10 मिल रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि वो सिमिलिया है। एक सिमिलिया होने के लिए कई सारे फैक्टर हैं, जिसमें से कुछ बताते हैं कि एक तो सिम्टम सिमिलर है, पेशेंट की डायनामिसिटी और आपके रेमेडी की डायनामिसिटी वो कितनी सिमिलर है, पेशेंट के पैथोलॉजी का डेप्थ और आपके रेमेडी के एक्शन का डेप्थ वो कितना सिमिलर है। हर रेमेडी एक डेप्थ के ऊपर नहीं होता, एक अलग अलग उसका एक अपना अपना डोमेन है, वर्क तक एक अपना अपना लिमिट है उसके गहराई तक पहुंचने के लिए। तो एटलीस्ट अगर हम फिर उसके बाद कहते हैं कि पेशेंट के वाइटलिटी का भी कंसीडर किया जाता है कि जब हम पोटेंसी को मैच करते हैं, तो सिम्टम के सिमिलरिटी, अगर हम बहुत बेसिक वाली बात करें कि सिम्टम का सिमिलरिटी, डायनामिसिटी और पोटेंसी की सिमिलरिटी, एडवांसमेंट ऑफ पैथोलॉजी किस डेप्थ तक या किस नेचर की पैथोलॉजी डेवलप हुई है और आपके रेमेडी में उस डेप्थ तक एक्ट करने का करेक्टर है कि नहीं है, एटलीस्ट अगर मिनिमम ये 3-4 पॉइंट नहीं कंसिडर करोगे तो भी टुवर्ड्स सिमिलिमम आपका प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ सिम्टम सिमिलरिटी होने की वजह से नहीं जाएगा। तो अब अगर हम उस केस की बात करें उसके रेफरेंस में, देखो मेलिग्नेंसी और 4 बार ऑपरेशन होने के बाद भी 2 साल के अंदर में 4 बार ऑपरेशन हुआ, इतना रिलैप्स हो रहा है, कीमोथेरेपी चल गया, रेडियोथेरेपी भी चल गया और अभी फिर पेशेंट उसी पैथोलॉजी को लेके आ रहे। अब उससे ये पता चल गया कि आप देखो ये जो नेचर, जो देखो मेलिग्नेंसी हुई, ये बीमारी हुआ, ये एक प्रोडक्ट है, ऑपरेशन करके काट के निकाल दिया। कारण क्या था होने का? सबसे ज्यादा होता है ना कि हम लोग जब सर्जरी भी करा लेते हैं तो समझते हैं कि बीमारी ठीक हो गई, आपने तो सिर्फ प्रोडक्ट ठीक कर दिया, हटा दिया, रीजन तो अभी भी बैठा हुआ है। और रीजन को जब तक आप नहीं ठीक करेंगे, उसको जब तक नहीं करेक्ट करेंगे या उसको नहीं क्योर करेंगे, तब तक वो चीजें तो फिर या तो वही रिलैप्स करेगा या वो किसी और फॉर्म में आके डेवलप होगा। तो एक तो रीजन तक पहुंचना चाहिए। अब इस डिजीज के पैथोलॉजी का, इतना एडवांस्ड मेलिग्नेंसी का, इतने स्पीड से रिकर होना इतने सर्जरी और ऑपरेशन के बाद भी, तो सोचो कितना इम्पैक्ट और डेप्थ में इम्पैक्ट लेके उस पैथोलॉजी को आया है। अब बात करें हम पेशेंट की, तो देखो एक पेशेंट 4 बार 2 साल के अंदर में ऑपरेशन हो चुका है और पेशेंट कितने अच्छे से मुस्कुरा के बात करे, सी इज वेरी लुकिंग कूल काम। अब अगर आप इसके उस माइल्डनेस को, उसके कामनेस को बाहर से तो आपने देख लिया, अब अगर इसी को आप असल समझ लोगे तो आप जो भी है उसका जो टेंडेंसी, जो भी कंडीशन है, आप बड़ा देखोगे तो माइल्ड पल्सेटिला टाइप है। एक्चुअली बहुत सारे ऐसे कंडीशन में ये जो बाहर से कामनेस होता है ना, इट इज जस्ट लाइक ए साइलेंट वॉल्केनो, इट इज ए स्ट्रॉन्ग क्योस
कवर्ड विथ ए कामनेस, ऊपर से बड़ा अच्छा से वो काम क्यों देखेगा, अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग क्योस चल रहा होता है। एंड जब देखो कि उसी केस में जस्ट थोड़ा सा जब आगे बढ़े हमने पास्ट में और फैमिली में तक गए, उसके पास्ट लाइफ में जैसे ही गए, कैसे देखोगे वो जो हंसी अभी भी चेहरे पे है लेकिन आंख पूरा पानी से नीचे निकल रहा है। एक स्टेप थोड़ी दूर और आगे गए तो देखो कितना सारा इंपैक्ट ऑफ एंगर, इंसल्ट, चाइल्डहुड से लेके मैरिज, प्रेगनेंसी ना होना, उसकी वजह से घर में ताना सुनना, रिश्तेदारों का ताना सुनना, सबको सहते रहना, इतना सारा चीज बैठा हुआ है अंदर, बाहर से पेशेंट मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो ऊपर वाला कामनेस है ये एक्चुअल कामनेस नहीं है, इसको आप कह सकते हो इट इज ए क्योस कवर्ड विथ कामनेस, ए साइलेंट वॉल्केनो। और यही वजह है कि जब एक बार ये फिजिकल फॉर्म में, उसके पैथोलॉजी के फॉर्म में कैसे अब्रप्टली निकल के आ रहा है, कितना डिस्टर्ब होके आ रहा है। लास्ट सवाल हमने जब उसे पूछा कि आपके लाइफ में अभी ऐसा कोई है जिसको दिल करता है कि अब मिले तो बैठ के सुनाऊं, कैसा अब्रप्ट जवाब आया, इंटेंस चेहरे पे एक्सप्रेशन के साथ, कई सारे हैं। तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग इंडिग्नेशन बैठा हुआ है। और ये ऐसा है इंडिग्नेशन कि ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है, ये एक रिवेंज, जब तक पूरा नहीं हो तब तक ये रिजॉल्व नहीं होगा। क्योंकि तभी पूछा था कि अगर किसी ने आपके साथ मिसबिहेव किया और आके सॉरी बोल दे तो सब वक्त कितना ऐसे इंटेंस जवाब आया था, अच्छा एक बार आके गला काट दे सॉरी बोल दे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। इतना सारा अंदर बैठा हुआ है, ऊपर से फिर भी पेशेंट कितना काम एंड क्वाइट है। तो फिर यहां पे हमको इतने काम एंड क्वाइट के ऊपर नहीं जाना पड़ेगा, हमको इनडेप्थ में जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमने जाने के बाद उससे कुछ फिजिकल जनरल्स के सिम्टम पूछे, जिसमें तुम्हारा डिजायर फॉर बटर ये सारा कुछ निकल के आया, हमारा प्रिस्क्रिप्शन पहुंच गया टुवर्ड्स नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड और स्टेफ के बारे में एक चीज बताऊं, ये दोनों बड़ा ही इस रूब्रिक को कवर करके चलता है। इस दोनों रेमेडी का एक फेज बहुत पॉपुलर है, एक फेज क्या पॉपुलर है, एंगर, विंडिक्टिव, दुंदरा, गुस्सा। वही सारे ऑथर कहते हैं कि ये वो पर्सनालिटी है कि जिसके साथ रहना दुश्वार हो जाएगा, जीना दुश्वार हो जाएगा, इतना टची और इतना वायलेंट एक्सप्रेसिव एंगर का रेमेडी है। बट इसी के साथ देखोगे यही दोनों रेमेडी भी, मतलब इसके अलावा भी ये दोनों रेमेडी भी एक ऐसा रेमेडी है जिसको कहा जाता है कि लाइफ में दे लीव एज ए शॉक ऑब्जर्वर। एक तो है कि बिल्कुल ब्लंट आया गया, ये एक फेज है, पॉपुलर है, ये मटेरियल में सुपरफिशियल पढ़ने वाले सभी जानते हैं लगभग, बट कुछ एडवांस मटेरियल मेडिकल और अच्छे से आप पढ़ के देखोगे पर्सनालिटी तो आपको यहां बहुत अच्छे से मिलेगा कि ये रेमेडी बहुत हद तक जो भी बाहर से इंपैक्ट आता है उसको ऑब्जर्व करके लेता है, उसको रिएक्ट नहीं करता है, लिया। और ऐसे में देखोगे कि अंदर में उबल रहा है, खोल रहा है, बाहर में बहुत ही काम क्वाइट एक्सप्रेसिव रहेगा। ड्यूरिंग केस टेकिंग अगर आप उस दुखती रस तक पहुंच जाओगे, नाउ ही विल एक्सप्रेस इट इनर कोर डिस्कम्फर्ट। लेकिन अगर आप उस कोर तक उसके नहीं पहुंचे, जिसको कहते हैं उसके दुखती रस तक अगर नहीं पहुंचे, तो फिर वो ऊपर से हर चीज अच्छा अच्छा ही दिखा के चला जाएगा, काम एंड क्वाइट ही दिखा के चला जाता है। और तभी हमने कलाब को दिखाया था कि इतना रिवेंजफुल है, और देखो सिंपैथेटिक में भी आपको नाइट्रिक एसिड मिलेगा। फिर उसके बाद उसका कई सारा कॉजेशंस भी दिखाया,
कि 2-2 बजे रात तक जागना, 3-3 बजे रात तक जागना, फिर 6 बजे उठ जाना बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, और एक दिन के लिए तो है नहीं ना। जागने का जो कारण है वो एक दिन का है, ना बच्चे के स्कूल का भेजना ये एक दिन का है, मतलब कंटिन्यूटी में चला आ रहा है। एंड स्टिल सुपरफिशियली पेशेंट इज कंप्लेनिंग टू नो वन, हंस रहे। ऐसे कंडीशंस में जस्ट एक ये तो हुआ, जब बहुत सारी चीज दिल को बुरा लगे ना तो एक्सप्रेस करना चाहिए। आप रिएक्ट ना करो, रिस्पॉन्स करो, बट अपने फीलिंग्स को, मन को, कोई एक ऐसा दोस्त होना चाहिए लाइफ में, चाहे वो रिश्ते में आपका कोई भी हो, जिससे आप ना बिल्कुल दिल खाली करके बात करो। नहीं तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जीने वाले लोग अक्सर किसी बहुत एक बड़े बीमारी या बड़े ट्रबलसम अब्रप्ट कंडीशंस में, बिकॉज हर चीज के सहने का एक लिमिट होता है, जो शॉक ऑब्जर्वर वाला कंडीशन भी लीड कर रहा है उसका भी एक लिमिट होता है। अब ऊपर से वो अगर अपने आप को कितना भी संभाल लेगा तो अंदर बैठते बैठते एक बार आएगा जब वो फटेगा। अगर वो सहने वाला कंडीशन धीरे धीरे रिलीज करते जाएगा ना, तो बहुत हद तक ये इमोशनल पॉइजन उसके अंदर जमा नहीं रहेगा। ये बहुत जरूरी है। इमोशनल पॉइजनिंग आपके डायट्री पॉइजनिंग से ज्यादा नुकसानदेह। एक उर्दू शायर का एक पोएट है, वो बातें खा गई मुझको जो बातें पी गया था मैं। तो इफ यू हैव टेकन इट, ये अंदर ही अंदर आपको इट विल टेक इट। So it is better to make a channel and release it. Thank you.